easy. Breathe out. Easy, छोड़ो, छोड़ो, ढीला छोड़ो. टर्न करो मेरी तरफ, मेरी तरफ. साइडवेज, हाँ साइडवेज लेटो. नीचे वाला सीधा करो, नीचे वाला. इजी, रिलैक्स करो. इस हाथ को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, खींचेंगे उस तरफ. आपका पूरा स्पाइन जो है ना, वो एक टाइट कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में है, रिलैक्स ही नहीं है. अच्छा. हाँ, इजी, रिलैक्स ही तो हो जाएंगे. अब ये हाथ देंगे, इजी, रिलैक्स, इजी, इजी. छोड़ो 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 छोड़ो. ओके, ऊपर जाओ, इजी, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ. छोड़ो, आ जाओ. इसमें ना ग्लास पे खड़े होने के लिए ना थोड़ा सा वेट करना पड़ता है. अच्छा, खड़े जाओ, और नीचे रख के आराम से खड़े जाओ. अब वी बना लो, एडी से एडी मिलाएंगे. वी, वी इस तरह से वी बनाएंगे. अच्छा. हमारा पाँव का वही काम होता है जो कि टायर का होता है. टायर का क्या काम होता है? ग्रेविटी को पुश करना, ठीक है, ग्रेविटी को मिनिमाइज करना. अगर हमारा टायर में एक में हवा कम हो जाए, एक में, तो बॉडी में ऐसा हो जाएगा, निशानी है. तो ये लेफ्ट अपना पूरा झुका हुआ, बेंड पड़ा हुआ है. और ये कैसा शेप है? फ्लैट फीट जैसा. लेफ्ट, लेफ्ट. सारा वेट कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट. और लेफ्ट का शेप ऐसा दिख रहा है ना, वेट राइट पे आ रहा है कि लेफ्ट? लेफ्ट पे. ओके, आप बोल रहे थे राइट पे आता है. जब चल चलती है तो उससे कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना. अच्छा, जब चलेंगे तो मैं आपको फेस भी दिखाऊंगा. ये ऐसे शेप है ना, नॉर्मल हमारा पाँव ऐसा होना चाहिए. और हमारा लेफ्ट कैसा है? ऐसा ऐसा. और राइट, राइट ऐसा. अच्छा, दोनों अलग है मेरे. हाँ, इसके लिए तो अभी लेफ्ट तो पूरा खराब हो गया है, राइट अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि वो धीरे धीरे राइट भी ये ऐसा ही हो जाएगा. बट नॉर्मली तो आप पैदा ऐसे ही हुए थे, क्योंकि ऐसा कोई चेंज और नजर नहीं आ रहा. यू वर बॉर्न नॉर्मल. ये आपने धीरे धीरे ही एक्वायर किया है. जिस लेफ्ट पे ज्यादा वेट डालते हो, राइट पे कम वेट डालते हो. लेफ्ट पे ज्यादा डालता हूं. हां, ये आपने पहले बोला कि राइट पे ज्यादा. चलते समय आप अपना पेल्विस डिप करते हो ना. अच्छा, अगर मेरे स्पाइन पे ज्यादा वेट आएगा तो मैं इस तरफ कॉम्प्रोमाइज करूंगा ना. अच्छा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा चलने का. तो ये अपना प्रॉब्लम सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है. टर्न करेंगे इस तरफ. अब पाँव सीधा रखेंगे, सीधा सीधा सीधा. क्लोज रखेंगे और थोड़ा सा आगे आएंगे. तो ज़्यादा क्लोज हो गया, आगे आओ. देखिए, अब नी बेंड करो, घुटने मोड़ो, सीधा हो जाओ. पाँव की उंगलियाँ ऊपर उठाओ, पाँव की उंगलियाँ आ जाओ. टर्न कर लेंगे. अब मैंने तीन फोटो लिए हैं. पहली फोटो में आप नॉर्मल खड़े हुए हो, दूसरे फोटो में आपने नी बेंड किया है, तीसरी फोटो में आपने उंगलियां ऊपर की हैं. तो पहली फोटो को हम बोलते हैं नॉर्मल स्टैंडिंग, दूसरी फोटो को बोलते हैं हम आपकी वॉकिंग या एक्सरसाइजिंग, तीसरी फोटो को बोलते हैं कि हम कितना इसको ठीक कर सकते हैं. तो अब पहली चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि हमारा बॉडी पूरा एक साइकिल की तरह क्लोज चेन है. ये हड्डी इस नी के साथ मिलती है, ये हड्डी हिप के साथ मिलती है, फिर वो पेल्विस को स्टेबलाइज करती है, फिर उसके ऊपर स्पाइन रेस्ट करता है. अगर छोटा सा भी कोई चेंज यहाँ पे आएगा तो नी में भी आएगा, हिप में भी आएगा और ऊपर तक आएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ का चेंज आए और पूरा सिस्टम सेम टू सेम रहे. तो सारी चीज़ें एक ही लाइन में होना चाहिए. फोर्सेज हमेशा सीधा ही चलती है ना, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िगज़ैग चल सके. तो अब ये देखो आपका ये है लेफ्ट. पीछे से फोटो लिया, लेफ्ट, लेफ्ट देखो कैसा दिख रहा है. नॉर्मल जैसा नहीं दिख रहा ना, कितना मोटा हो गया है, प्लस टेढ़ा भी हो गया ना इस लाइन से देखो, है ना. तो अगर कम टेढ़ा होता है तो उसको हम ओवर प्रोनेशन बोलते हैं. ज्यादा टेढ़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं इसको? सीवियर. अब ये ऐसा ही है ना अपना पोस्चर. इसमें से लेफ्ट कौन सा?
अगर जो मैं आपको बात कर रहा हूँ तो ये वाला टेढ़ा है ना अभी, तो अभी ये वाला लेफ्ट है। इसलिए यहाँ पे पेन आते, इसलिए आपके यहाँ पे पेन आते। अभी इसको ठीक कैसे करेंगे? अरे है ना, स्टोरी तो बताते तो। अब राइट को तो देखो ना यार, राइट तो टेढ़ा है, 19-20 है ना बस, बट है तो वो भी टेढ़ा ना, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ठीक है, अब पहली फोटो जो हम दिखा रहे हैं आपको स्टैंडिंग दिखा रहे हैं, दूसरा जो आपने नी बैंड किया उसको चलने की फोटो बोलते हैं, ये एक्सरसाइज की। चलते समय क्या होता है देखो, लेफ्ट वाला और खराब हो गया और राइट वाला एंगल भी खराब हो गया, तो आपका चलना तो बहुत ज्यादा ही खराब है। स्टैंडिंग तब भी ठीक लग रहा है ना, मैं अगर देखो, अगर किसी को मैं समझाऊं ना, अगर ये फोटो दे दूं तो ठीक लगेगा, और उसके सामने जैसे ही मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा तो ये तो कितना टेढ़ा हो गया। ऐसा कभी किसी के पांव देखे? इसका इलाज क्या है वो बताओ। इलाज अच्छा, अब ये देखते हैं कि कितना इलाज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हवा में बोल दिया कि मैं 100% कर दूंगा, फैक्चुअल चीज पे रहते हैं कि कितना फैक्चुअली हो सकता है। तीसरी फोटो में हमने उंगलियों ऊपर की थी, उंगलियों ऊपर का मतलब था कि अब ये जो पाँव है इसी के साथ तो काम करना, नया पाँव तो दे नहीं सकते, उसके अगर कुछ नीचे सपोर्ट देते हैं तो हम कितना बेटर कर सकते हैं, इतने से काम चल जाएगा। राइट तो पूरा ठीक हो गया, देखो यानी पूरा तो नहीं बट अगर यहाँ से देखें तो हम 80% तो बोल सकते हैं राइट ठीक हो गया, क्योंकि ये इतना जो मोटा हो गया वो धीरे धीरे ही जाएगा, लेफ्ट उतना ठीक नहीं हो रहा आज की डेट में, है ना। लेकिन हम हर 3-4-5 महीने में यही असेसमेंट करते रहेंगे, पाँव के नीचे एक सपोर्ट बना के देंगे और फिर देखते जाएंगे कितना बेटर हो रहा है, है ना। बट यहाँ पर ऊपर का मैं पूरा ठीक कर दूंगा, लेकिन हमें इसको भी धीरे धीरे विद टाइम स्ट्रेट चला जाएगा 100%। बट हमें टांग भी सीधी रखनी है, अगर टांग हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो कल आपके घुटने खराब होने वाले हैं, हिप खराब होने वाला है, स्पाइन खराब होने वाला है। अगर आज मैं इस जैसे आज को आपको फोटो इसमें दिखाया, मैंने जो ये फोटो दिखाया, अगर ऐसे ही मैं पूरा एक एक्सरे कराऊं बॉडी का तो क्या क्या चीज़ें खराब होंगी? इधर झुका हुआ क्यों है? क्योंकि टेढ़ा है ना पाँव, ऐसा टेढ़ा जा रहा है ना। अच्छा, उसकी वजह से है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस वीडियो, को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी कमेंट हो आपको लगता है कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू।